हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, उसके बाद हम चीज़ों को समझते हैं। देखो, सी डबल बॉन्ड सी, ये सी एल हो गया, ये सी एल हो गया, ये यहाँ एच हो गया, ये यहाँ एच हो गया। दूसरा फिगर है C डबल बॉन्ड, ये C हो गया, ये H हो गया, ये भी H हो गया, ये Cl हो गया और ये भी Cl हो गया। ये है सिस फॉर्म। ओके, सिस 1,2 डाइक्लोरो इथीन। बस हमें अभी नाम नहीं, बस ये समझना है ये सिस है और ये ट्रांस है। देखो, सिस और ट्रांस, सबसे पहले डेफिनेशन क्या है। व्हेन कंस्ट्रेंट ग्रुप्स आर ओरिएंटेड इन सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड सिस आइसोमर। मतलब जब भी जो ग्रुप्स होते हैं या एटम्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन की तरफ ओरिएंटेड हों, जैसे सी एल दोनों एक ही तरफ हैं, ओके, और एच ये दोनों एक ही तरफ हैं, ठीक, तो ये सिस हो गया। बट ट्रांस में क्या होगा, डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे, ठीक। देखो, सी एल यहाँ है, उसके बाद यहाँ है, उसके बाद यहाँ है, उसके बाद इस पार है, ठीक, इस पार उस पार। ट्रांस का मतलब ये होता है दूसरे पार। सबसे पहले इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, हम ये सिस और ट्रांस आइसोमर तभी बनेंगे जब एक कार्बन के पास दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हों या एटम्स हों। एक इस टाइप के ये स्ट्रक्चर्स हो गए। अब हम साइक्लिक में देखते हैं। देखो, ये हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये सी एल है और यहाँ पे ये सी एल है, ओके, दोनों एक ही पेज पे हैं या एक ही डायरेक्शन में। दूसरा, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे जो सी एल है ये पेज के पीछे साइड है, ठीक है, स्क्रीन के दूसरी साइड है, बट ये स्क्रीन के ऊपर साइड है, ये वाला सी एल। यहाँ पे क्या हो गया, दोनों सी एल स्क्रीन के ऊपर साइड हैं, ठीक है, बट यहाँ पे ये सी एल पीछे साइड है, ठीक, तो ये ट्रांस हो गया और ये सिस आइसोमर हो गया। ओके, ये समझ में आया। अब देखो, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले देखो, यहाँ सिस में देखो, ये सी एल क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सी से, कार्बन से, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ओके, यहाँ पे भी ये अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा पार्शियल और यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पोलर स्ट्रक्चर हो जाएगा, पोलर, ओके। और यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ खींचेगा, ये यहाँ खींचेगा, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब दो डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो कैंसिल आउट होंगे ही, ठीक, तो यहाँ पे ये जो डाइपोल मोमेंट होगा वो नहीं होगा, जीरो होगा, ठीक है, तो नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर। पहले ये डिफरेंस हमें मिल गया। उसके बाद सिस में अभी हमने पढ़ा ये पोलर है तो इसलिए डाइपोल मोमेंट होगा, बट यहाँ पे ट्रांस में हमने पढ़ा ये नॉन पोलर है, ठीक है, अप्रॉक्स नॉन पोलर होता है, पूरी तरीके से नहीं होता है, बट फिर भी यहाँ पे हम जीरो मान लेते हैं डाइपोल मोमेंट, फर्स्ट ही हो गया। दूसरा, हम मेल्टिंग पॉइंट पर आते हैं। देखो, मेल्टिंग पॉइंट, इसका स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, ठीक, और स्टेबल स्ट्रक्चर है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, बट ये वीक, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगा, ठीक। तो हम जब मेल्ट करेंगे, मेल्ट किसको करते हैं, जो सॉलिड होता है, आयरन को हम मेल्ट करते हैं ना कि बॉयल करते हैं, पहले मेल्ट होगा फिर बॉयल होगा। तो देखो, मेल्टिंग पॉइंट फिर ज़्यादा किसका होगा, इनका कॉम्पैक्ट ज़्यादा स्ट्रक्चर होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी इसका ज़्यादा होगा, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा और मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होगा, तो ज़्यादा किसका होगा, इसका। तीसरा आता है बॉइलिंग पॉइंट। देखो, अब एक बार जब मेल्ट हो जाता है या वो पहले से ही उस लिक्विड फेज में है, अब हमें इनको बॉयल करना है। बॉयल किनको करते हैं, लिक्विड को करते हैं, जैसे वाटर को करते हैं, उसको बॉयल करते हैं तो भाप में चेंज होता है, वैसे इनको करना है। अब तो ज़्यादा आसानी से बॉयल कौन होगा, ये ट्रांस वाला होगा, क्यों, देखो, जैसे सिस के दो मॉलिक्यूल हमारे पास, ठीक है, एक का, क्योंकि ये पोलर है तो एक तरफ अगर ये नेगेटिव लाएगा एक, तो दूसरा यहाँ पे पॉजिटिव साइड ला जाएगा अपना, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, तो वन डर वाल्स फोर्सेस के कारण, इस पोलर नेचर के कारण यहाँ पे ये बॉन्ड बन जाएगा, वीक बॉन्ड बन जाएगा। बट ट्रांस में क्या है, पोलर नहीं है, पोलर नहीं है तो दोनों के यहाँ कोई भी ऐसा चार्ज नहीं आएगा, चार्ज नहीं आएगा तो आसानी से क्या हो जाएगा, अगर हम हीट देंगे तो ये अलग हो जाएंगे आसानी से,
ठीक है, बहुत कम मात्रा में चार्ज होता है, इसलिए ये आसानी से अलग हो जाएंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हुआ, ट्रांस वाले का कम हुआ, ठीक, बजाय कि इसके, इसको थोड़ा ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक। तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका हुआ, सिस वाले का, तो ये बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया, ठीक है। आगे समझ में, अब ये जो बात थी वो हमने देखी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, तो देखते हैं। देखो स्ट्रक्चर है पीटी सीएल सीएल एनएच3 और पीटी एनएच3 सीएल और ये सीएल, ठीक। तो यहाँ पे सीसी हो गया एक ही तरफ है, और ट्रांस इस पार उस पार इस पार उस पार, तो ये ट्रांस हो गया और ये सिस हो गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा वीडियो अच्छे से, तो ठीक है, थैंक यू।